हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब साहिली चैनल में। मैं हूँ प्रेरणा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जंगली जड़ के बारे में जिसको आप शायद जानते हो लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इनफर्टिलिटी के लिए कितनी कारगर है। आपको अगर ट्विंस कंसीव करने हैं तो बिना किसी महंगे इलाज के आप बहुत आसानी से इसको प्रयोग करके अपने ट्विंस कंसीव करने के चांसेस को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं। और ये केवल बात ही नहीं है बल्कि इस पर कई रिसर्चेस हुई हैं और रिसर्चेस से कुछ बातें सामने आई हैं, वो सब चीज़ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये चीज़ साइड इफ़ेक्ट नहीं देती बिल्कुल, आप आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, सपोज पीसीओडी हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, एजिंग की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से अंडे कम है, उनकी क्वालिटी कम है, अंडे मैच्योर नहीं हो रहे, अंडे रप्चर नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें, किस तरीके से अपने ओव्यूलेशन के चांसेस को बढ़ाएं, ट्विंस किस तरीके से कंसीव करें। अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो भी उस कंडीशन में ये शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा और आपकी गर्भधारण की संभावना को बहुत हद तक बढ़ा देगा। हम बात करने वाले हैं यम। यम एक जड़ होती है जिसको कि खाया जाता है, लेकिन कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि यम शकरकंद हो सकती है। जी नहीं, शकरकंद अलग है जिसको कि स्वीट पोटैटो कहा जाता है। यम यानी कि रतालू, इसको हम भारतीय भाषा में हम रतालू बोलते हैं, इंग्लिश में इसको यम कहा जाता है। लेकिन ये जमीकंद या सूरन नहीं होता क्योंकि ये देखने में काफ़ी सिमिलर होते हैं। रतालू और जमीकंद बॉटनिकली पूरी तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। यम रतालू को कहा जाता है, जमीकंद सूरन को कहा जाता है, इसको कई जगह ओल भी बुलाया जाता है, हर जगह हर राज्य में हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से इनको बुलाया जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल रतालू की। ओके, जिसको कि यम कहा जाता है और इसके अगर जंगली वैरायटी आपको अवेलेबल हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सर्दियों में ये आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। इसको अगर आप एक बार परचेस कर लेते हैं तो एक आध महीने तक भी ये अगर आप स्टोर करके रखें तो इसका छिलका इतना हार्ड होता है कि जल्दी से ये ख़राब नहीं होता, ड्राई नहीं होता, सूखता नहीं है, कई दिनों तक बना रहता है। तो इसको हमको यूज़ करना है। आगे हम जानेंगे कि इसके यूजेस कैसे हैं, लेकिन एक बार जानते हैं कि इसके ऊपर क्या स्टडीज़ हुई हैं, कैसे पता चला कि इससे ट्विंस हो सकता है, ऐसी क्या खास बात है इस जड़ के अंदर। फ्रेंड्स, यम जो है, रतालू जो है, इसके ऊपर एक एनालिसिस हुआ 2008 में साउथ वेस्ट नाइजीरिया में, जहाँ की ट्विंस होने की रेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ के खान पान में जो वहाँ के प्रजाति है, जो निवासी है वहाँ के खान पान में रतालू बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है क्योंकि वहाँ उगता ही वो बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा खाते थे। तो उससे उनके शरीर पर कुछ प्रभाव हुए। वो क्या प्रभाव थे? वो थे हार्मोनल प्रभाव। हार्मोनल कैसे? हार्मोनल इस तरीके से कि ये जो यम होता है, जो रतालू होता है, इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंडों को मैच्योर करने वाले, तैयार करने वाला जो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको बढ़ाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर शरीर में ठीक से नहीं बनेगा तो अंडे तैयार नहीं हो पाएंगे। और ये काम शुरू होता है आपके पीरियड के पहले दिन से। आपको जब पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो अगली साइकिल के लिए अंडे तैयार होना, बड़े होना शुरू हो जाते हैं उस पहले दिन से। तो उस दिन से शरीर में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्तर बढ़ने लग जाता है। तो पीरियड के पहले दिन से आपको रतालू को कंज्यूम करना स्टार्ट करना है, अगले 10 दिन तक डेफिनेटली करना है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा बनता है तो उसकी वजह से एक से अधिक अंडे भी मैच्योर हो जाते हैं। ओके, और इसकी संभावना पीसीओडी के केसेस में बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर किसी भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, हार्मोन की कमी है, अंडे ठीक से तैयार नहीं हो रहे, थायराइड कंडीशन में भी ऐसा ही होता है, शुगर की कंडीशन में भी ऐसा ही होता है, वजन ज़्यादा होने पे ऐसा होता है, और ऐसी कई समस्याएं जिनमें अंडे तैयार नहीं होते, तो आप रतालू को अपने खाने में कंटिन्यू 10 डेज ज़रूर रखिए। एक समय आप रतालू को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंडों के मैच्योर होने की रेट बढ़ेगी, जो कि नहीं हो रही थी अब तक, लेकिन वो इम्प्रूव हो जाएगी
बढ़ती उम्र में भी जहाँ बहुत कम अंडे बचे हैं और वो तैयार नहीं हो पा रहे क्योंकि शरीर में हार्मोन पर्याप्त नहीं बन रहा, तो ऐसे कंडीशन में भी रतालू आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि रिसर्च से भी ये साबित हुआ है कि रतालू बॉडी के अंदर फाइटोस्ट्रोजन देता है और FSH का प्रोडक्शन बढ़ाता है, और ऐसा होने से आपके अंडे मैच्योर होते हैं, रप्चर होते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्विंस कंसीव होने के। तो अगर आप भी चाहते हैं ट्विंस कंसीव करना तो रतालू का सेवन पीरियड के पहले दिन से अगले 10 दिन तक नियमित कर सकते हैं। तो रतालू के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स भी बहुत अच्छी मात्रा में हैं, तो रतालू लेने से आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा है, आपके हॉर्मोन्स ठीक से बनेंगे और ट्विंस कंसीव करने के लिए सारी फेवरेबल कंडीशंस वो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स में बना देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको उपयोग भी आएगी, आप इसको फॉलो करेंगे और सर्दियों का मौसम है तो आपको ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसको जनरली छिलके को उतार कर छोटे पीसेस में आप भूनकर इसकी सब्जी बनाकर, इसको बॉईल करके, इसका भरता बना के किसी भी फॉर्म में आप इसको खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे इस कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और आप किस तरह की जानकारी YouTube सहेली से जानना चाहते हैं इनफर्टिलिटी रिलेटेड, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम प्रायोरिटी से उन विषयों की जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।